गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 9.5 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। द फर्स्ट वन इज 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। सो हियर इन प्लेस ऑफ ए यू हैव 51, इन प्लेस ऑफ बी यू हैव 49। So replace A by 51 and B by 49 in the right hand side. You get this 51 plus 49 into 51 minus 49. It is the sum of, it is 100 and the, here it is 2. So it becomes 200. Second is 1.02 square minus 0.98 square. लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो इन प्लेस ऑफ ए यू हैव 1.02, इन प्लेस ऑफ बी यू हैव 0.98। सो ऑन द राइट हैंड साइड रिप्लेस ए बाय 1.02 एंड बी बाय 0.98, एड इट यू विल गेट 2। और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, फिर कैरी करेंगे 10 में से 9 के यहाँ से एक कैरी चला गया था तो ये 9 में से 9 गए 0 और ये 0 बचा है तो 0.04 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08। नेक्स्ट वन इज 153 माइनस 147 स्क्वायर। सो ए की प्लेस पर आपके पास 153 है, बी की प्लेस पर 147 है। तो गिवन आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में ए को 153 से और बी को 147 से रिप्लेस किया, इन दोनों को सम करके 300 आ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 6, फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। लास्ट इज 12.1 स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब 12.1 प्लस 7.9 आ जाएगा और ए माइनस बी में 12.1 माइनस 7.9 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 20 एंड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से एक कैरी लेंगे तो 11 में से 9 गए 2 और यहाँ 11 बच गया, 11 में से 7 गए 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84। दैट्स ऑल, थैंक यू।